टर्किश बाइट्स बनाने के लिए हमें क्या क्या जरूरत पड़ेगी, ये देखिए। सबसे पहले तो एक ओवन का ट्रे, क्योंकि मैं आज ओवन में दिखा रही हूँ, ये है एक ट्रे को मैंने फॉइल पेपर से रैप कर लिया है, और ये है बटर पेपर, इसको मैं रेडी करके रखूंगी। और हम यहाँ पे लेंगे पफ पेस्ट्री शीट्स, ये जो रेडीमेड पफ पेस्ट्री शीट्स आते हैं, और ये है कुनाफा या बारीक सेवैयाँ होती है वर्मीसिली, ये ले सकते हैं थोड़े से। और ये है मिल्क, ये मिल्क अंदाजे से ले सकते हैं, बस हमें डिप करने के लिए चाहिए। ये देखिए, हमें इस तरह से स्क्वेयर करके बनाने हैं, इस तरह से, ये स्क्वेयर, ये देखिए। अब साइड इस तरह से, ये देखिए, इस तरह से हम काट लेंगे, ये देखिए। एक पीस उठाएंगे इस तरह से और दूध में डिप करेंगे, ये देखिए इस तरह से। फिर उसके बाद हम इसमें डाल देंगे, ये देखिए इस तरह से। इस पे हम इसको कोट करेंगे बेसिकली, ये देखिए अच्छे से कोट करना। कोट करने के बाद ये ट्रे में हम इस तरह से अरेंज करते जाएंगे, देखिए इस तरह से। इसी तरह से मैं दूसरा पीस लूंगी, मिल्क में डिप करेंगे, ये देखिए इस तरह से। फिर हम कुनाफा में इसको ऊपर से कोट करेंगे, देखिए इस तरह से। फिर इसी तरह से मैं अरेंज करूंगी सारे, ये देखिए मैंने सारे अरेंज कर लिए हैं। अब मैं इसको बेक करूंगी 180 डिग्री सेल्सियस पे। इसको मैं बेक करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। क्रीम चीज, ये देखिए इस तरह से जो आते हैं क्रीम चीज। अगर आपके पास क्रीम चीज नहीं है तो आप वो स्प्रेडेबल होती है, वो भी ले सकते हैं। इसको इतनी अच्छे से फेंटना है, इसको एक अच्छे से क्रीमी फॉर्म में लाना है। ये देखिए मैंने इसको अच्छे से विस्क, ऐसे ऐसे एकदम अच्छे से करना है, देर 5 मिनट तो लगेंगे। ये देखिए किस तरह से क्रीमी क्रीमी हुआ है। और पैकिंग बैग को ये देखिए इस तरह से रख के हम ये क्रीम इसके अंदर डाल देंगे। इस तरह से हो जाएगा, इसको हम साइड में, इसको मैं थोड़ी देर, ये देखिए हमारे टर्किश बाइट्स बेक हो गए हैं। अब इसको हम ठंडा होने के लिए रखेंगे। आप देख सकते हैं, एक में दिखाऊंगी, ये देखिए इसको, ये देखिए इसी के अंदर ये आराम से खुल जाएगा। इसके ये जो ओपनिंग होता है, हम उसके अंदर क्रीम भरेंगे इस तरह से। आप चाहे तो थिक क्रीम भी भर सकते हैं, ये बहुत ही बढ़िया लगती है। ये देखिए इस तरह से भरेंगे और रखते जाएंगे, ये देखिए। ये देखिए मैंने सारे सर्व कर लिए, अब हम फाइनली क्या करेंगे, ये देखिए इस तरह से गार्निश करेंगे बस। इसी के साथ मैं यहाँ पे थोड़े से पिस्ताचोस डाल के, पिस्ता जो होता है वो डाल के इसको गार्निश करूँगी। ये देखिए है ना बढ़िया, बहुत ही इजी, बहुत ही यमी टर्किश बाइट्स हमारे रेडी हो गए हैं। ये देखिए,